सदन में किरोड़ी लाल को धनखड़ ने कर दिया चुप। आखिर बाबा किरोड़ी लाल को क्यों बोलने नहीं दिया गया? बगल में बैठे राजस्थान के सीएम भजन लाल मुस्कुराते रहे और किरोड़ी लाल मीणा धनखड़ को सुनते रहे। मैंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया, बोले सदन में कुछ बोलना चाहूंगा। मैं कुछ नहीं बोला। मैंने कहा माननीय किरोड़ी मीणा जी, मैंने सदस्य नहीं कहा, आप इस सभा के अंग नहीं हैं। राजस्थान की राजनीति में बाबा कहे जाने वाले राज्य सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के रौब और रुतबे से सभी वाकिफ हैं। विपक्ष के नेता भी उनके सामने बोलने से खौफ खाते हैं। किरोड़ी लाल मीणा का भौकाल हमेशा टाइट रहता है और इसी भौकाल के चलते मीणा को फिर से सरकार बनने के बाद मंत्री बनाया गया। किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सबसे पहले शपथ लेकर यह दिखा दिया कि शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। आज भी बाबा की एक ललकार से अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं किरोड़ी लाल मीणा को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बोलने नहीं दिया था? इस बारे में धनखड़ ने खुद जानकारी देते हुए भरी सभा में वो वाक्य बताया। हैरानी की बात तो ये है कि उस समय किरोड़ी लाल मीणा उनके सामने बैठे हुए थे और जगदीप धनखड़ के बगल में राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा इस बात पर मुस्कुरा रहे थे। सबसे पहले आपको उनका बयान सुनाते हैं। और जब आंख मिलाता हूँ सीधा, हम साथ थे, हम साथ साथ हैं, मेरा आशय भाटी जी से भी है। जब इधर देखता हूँ तो डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी कुछ समय पहले हमारे सदस्य थे राज्यसभा में, मेरे कक्ष में आए, बोले मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। मैंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया, बोले सदन में कुछ बोलना चाहूंगा। मैं कुछ नहीं बोला। ये सदन में गए, सभापति महोदय, मैंने कहा माननीय किरोड़ी मीणा जी, मैंने सदस्य नहीं कहा, आप इस सभा के अंग नहीं हैं, आप यहाँ आप कुछ नहीं बोल सकते। इनको झटका लगा होगा पर मैंने नियमों का पालन किया। ये देवनानी जी आपके सामने यहाँ करेंगे। इस मौके पर मैं डॉक्टर सीपी जोशी जी का अभिनंदन करना चाहूंगा। वो साधुवाद के पात्र हैं। अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर इस सदन में कार्यक्रम आयोजित किए। 25 बंगाल के राज्यपाल की हैसियत से उन्होंने मुझे यहां बुलाया। फर्क सिर्फ इतना था, तब उपस्थिति ज्यादा प्रभावी थी। उपराष्ट्रपति की हैसियत से भी उन्होंने मुझे बुलाया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जब कार्यक्रम हुआ तो उदयपुर में मुझे बुलाया उन्होंने। मैंने हर बार उनको एक ही बात कही, विधानसभा का अध्यक्ष किसी दल से जुड़ा हुआ नहीं है। विधानसभा का अध्यक्ष का पहला कर्तव्य है कि वो प्रतिपक्ष का संरक्षण करे। कुछ ऐसा वातावरण बन जाता है जब हमें कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। पर कहते हैं ना कि खीर कितनी अच्छी है खाने से पता चलती है, और यही कारण है कि पश्चिम बंगाल के जो बहुत बड़ा प्रांत है, सांस्कृतिक राजधानी देश की कही जा सकती है, वहां की मुख्यमंत्री श्री ममता बनर्जी ने उपराष्ट्रपति के चुनाव में मेरा विरोध नहीं किया। तब मैंने ये बात यहां कही तो उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि जादूगर तो मैं हूं, आपने कौन सी जादूगरी ममता पर की थी? सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि धनखड़ ने यह वाक्य मजाक के तौर पर बताया था। दरअसल जगदीप धनखड़ राजस्थान विधानसभा में विधायकों के एक दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए पहुंचे। इस कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान उन्होंने सभी के सामने ये कहानी सुनाई। इसके बाद बीते दिनों दिल्ली संसद भवन के बाहर हुई मिमिक्री को लेकर भी उपराष्ट्रपति का दर्द झलका। उन्होंने कहा सदन में हल्का फुल्का आचरण होना चाहिए, मजाक और हास्य होते रहना चाहिए। ऐसी बातें जब उन्होंने राज्यसभा में कही तो माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि मोहब्बत हमसे और शादी उनसे। इसके बाद मैंने उनसे कहा कि आप तो मेरे दिल में हो। फिर खड़गे जी ने बोल दिया कि एक ऐसा विरोधाभास है,
आपके दिल में तो डॉक्टर सुदेश धनखड़ है, तो हम कहाँ रह सकते हैं। धनखड़ ने सीधे सीधे मिमिक्री का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि सदन में सभी सदस्यों को आचरण और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। वैसे जिस तरीके से उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा का किस्सा सुनाया, इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया, बोले सदन में कुछ बोलना चाहूंगा। मैं कुछ नहीं बोला। मैंने कहा माननीय किरोड़ी मीणा जी, मैंने सदस्य नहीं कहा, आप इस सभा के अंग नहीं हैं।